यहाँ से। ये देखो दोस्तों हमारा जो सूर्या भाई है यहाँ पर, आप लोग देख पा रहे हो कितना सुंदर, देख के मतलब क्या ही सुंदर लग रहा है यार। देखो अभी ये सूर्यास्त का टाइम है तो सूर्यास्त हो रहा है। और ये वीडियो देखो आप आसाम से, आसाम की हुजाई डिस्ट्रिक्ट से आप देख रहे हो। देखो कैसे सूर्यास्त हो रहा है, ठीक है, देखते रहो पूरा एकदम देख पाओगे। देखो अब एकदम डूब गया ये। ओहो मामार रूपोही रुनो रुनाई से भारो तोरे पूर्व देखत सूर्य उदा दे। बहुत मज़ेदार कविता है, ये लिखा था हमारे भारत रत्न भूपेन हजरिका जी ने। भूपेन हजरिका जी जाने मने कलाकार सिंगर है और कवि भी है। तो उन्होंने अपने कविता में ये वर्णन किया है कि अहम अमर रूपही, इसका मतलब ये है कि असम हमारे लिए बहुत सुंदर है। गुनोरु नाई शेख, जिसका गुण का कोई अंत नहीं है, शेष नहीं है। भारत और पूर्व दिशा सूर्य उठा दे, भारत के पूर्व दिश में ये अवस्थित है जहाँ पर सूर्य उदय होता है, जहाँ पर सूर्योदय होता है। तो इस कविता के माध्यम से बहुतों को पता चलता है कि भारत की पूर्व दिश में सूर्य उदय होता है, लेकिन बहुतों को ये पता नहीं है कि भारत की पूर्व दिश में सूर्यास्त भी बहुत अच्छे से दिखाई देता है। तो आज मैंने आपको दिखाया कि भारत की पूर्व दिश में सूर्यास्त कैसे दिखता है। बहुत ही ऐसा नज़ारा कभी कभी दिखता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आपको दिखाया आज कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताओ। और ये देखो मामा जी कैसा लगा? बहुत बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, बढ़िया लगा। हाँ ऐसा नज़ारा कभी कभी देखने को मिलता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले आपने कब कब दिखा था ये? कभी कभी देखने मिल जाता है। हाँ अभी देखो ये आसमान पूरा खाली है, आसमान पर कुछ नहीं दिख रहा है। तो थोड़ी ही देर में इफ्तार का टाइम होने वाला है, अभी इफ्तार का टाइम होगा तो इसलिए अभी सूर्यास्त हो चुका है। हम जा रहे हैं घर, जाके एकदम पूरा दबा के इफ्तार करेंगे खाएंगे और उसके बाद ये वीडियो आपको डालेंगे। प्लीज़ ये वीडियो देखना मत भूले, है ना? हाँ बिल्कुल।